Yes, students, now see the worksheet 3, and these are the formulas which I had told you now. Okay, selling price हम निकाल रहे हैं. Selling price जब आपको profit given है और cost price given है, तो उस केस में selling price का जो formula होगा cost price plus profit होगा. Okay, और अगर आपको cost price given है और साथ में loss given है, प्रॉफिट गिवन नहीं है आपको लॉस गिवन है, तो वहां पे आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा कि क्या सेलिंग प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, यही दो एग्जांपल हमने किए थे. अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसको आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है. ठीक है, और कॉन्सेप्ट को बेटे बहुत अच्छे से समझना है. वीडियो को बार बार ही आप उसको देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने बुक में ही करना है. ओके, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन द बुक. चलिए, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कॉलम ऑफ सेलिंग प्राइस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. ठीक है, तो यहां पे बेटे आपको ये कॉलम गिवन है और इस कॉलम में आपने फिल करना है. कॉस्ट प्राइस तो आपको फर्स्ट कॉलम में गिवन ही है. ठीक है, ये पूरा आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, और ए पार्ट में आपको प्रॉफिट भी गिवन है. कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, लेकिन लॉस गिवन नहीं है. ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस में आपको एक ही चीज गिवन होगी, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. या तो आपको फायदा होगा या फिर आपको घाटा होगा. ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो दोनों में से एक ही चीज आपको गिवन होगी. तो इस केस में आपको प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस आपको गिवन ही होगा हर क्वेश्चन में. तो यहां पे क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ये तो निकालना है, और ये हमने फॉर्मूला भी अभी अभी हमने पढ़ा था. एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दोनों को एड करेंगे तभी हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा. ठीक है, जितने में आर्टिकल को खरीदा गया है और उसके ऊपर जो फायदा हो रहा है उस फायदे को आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस में. ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा. जब हमने ऐड किया वी गेट 66, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है. आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में, तो आपका टैली हो जाएगा. जैसे मैंने यहां पे किया है, ये देखिए 66 क्या था, सेलिंग प्राइस, और यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या है 58. 58 को मैंने माइनस करवाया एंड आई विल गेट 8. 8 आया मेरे पास, तो 8 क्या है, प्रॉफिट. तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, 66. ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपको बुक में गिवन ही था. चलिए बी पार्ट देखिए, अब हम खुद से ट्राई करते हैं. कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है बेटे यहाँ पे 85, और आपको लॉस तो गिवन, हाँ लॉस आपको गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है. ओके, लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, डैट मींस कि आपको यहाँ पे घाटा हो रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं. ठीक है, और मैं अगर अपने माइंड में इसको कैलकुलेट करूं, आई विल गेट ₹74. ठीक है, ₹74 आएगा बेटे. 85 में से 11 को माइनस करेंगे, आई विल गेट ₹74. सी पार्ट देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, यानी कि ऐड करना पड़ेगा दोनों को. यहां पे कहीं पे घाटा तो हो नहीं रहा कि हम उसको माइनस करें, फायदा ही हो रहा है, डेट मींस प्लस करेंगे. 480 में जब हमने 75 को ऐड किया, देन वी विल गेट सेलिंग प्राइस 555. ओके, नाउ सी द डी पार्ट, ₹1200, और यहां पे प्रॉफिट गिवन नहीं है, आपको लॉस गिवन है, घाटा हो रहा है. कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, और 195 का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है. डेट मीन्स इससे तो कम में ही बेचा गया है, और कितना कम में, जब आप 195 को इसमें से माइनस करेंगे देन यू विल गेट द सेलिंग प्राइस, और वो बनेगा आपके पास 1005, डेट इज 1005. ओके, तो ये आप रफ में भी चेक कर सकते हैं, खुद माइनस करके चेक कर लीजिए. और ये जो ई पार्ट है ये बेटे आपके लिए होमवर्क रहेगा, खुद से ट्राई कीजिए, बेटर समझ में आएगा आपको.